सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सो गाइज, अभी यहाँ पे रसमलाई आई है। रसमलाई खाते हैं मस्त में, टेस्टी टेस्टी। और इसको रसमलाई को साथ में रख साइड में रख देते हैं। और अभी मैं आ चुका हूँ स्कूल, ट्यूशन से भी आ चुका हूँ, स्कूल से भी आ गया हूँ। अभी पूरे 6 बज चुके हैं। और जो हम लोगों ने अपनी आम रेस्लिंग की टेबल की बुकिंग दी थी, जिसमें पंजेरा डाल देता है आम रेस्लिंग की टेबल की बुकिंग, तो मैंने कहा थी बनवाने जाएंगे आम रेस्लिंग की टेबल, लेकिन हम लोग बनवाने नहीं जा रहे हैं। ऑर्डर लगा दिया है 30-40 किलो की अपनी आम रेस्लिंग की टेबल बनेगी, वो वहीं पर बनवा देंगे और लेने जाना पड़ेगा हमको। 3-4 दिनों में बनके रेडी हो जाएगी। उसका फ्रेम रहेगा लोहे का, ऊपर पटरा लगेगा और लेदर लगेगा उसके ऊपर, पूरे पैड वैड जो भी है। तो आम रेस्लिंग की टेबल, मैंने आज तक आम रेस्लिंग की टेबल में कोई पंजा वंजा नहीं लड़ा है, तो मैं फर्स्ट टाइम रहेगा अभी। 3-4 दिनों में मस्त बन के आ जाएगी। और मैं पूरे अभी 10-15 दिनों के बाद जिम भी जा रहा हूँ। मैं जिम भी नहीं गया था क्योंकि मेरे टेस्ट चल रहे थे। आज मेरे टेस्ट पूरे खत्म हो चुके हैं, कल मेरे रिजल्ट मिल जाएगा, सारी कॉपी मिल जाएगी। मम्मी ने कहा था जब तक तुम्हारे टेस्ट चल रहे तुम कहीं जिम भी नहीं जाना, ऊपर ही करना। पहले भी मैं ऊपर ही करता था, ऊपर डंबल रखे हैं मेरे पास, 2-3 इक्विपमेंट्स और भी हैं जो भी होते हैं जिम में, तो ज्यादा कुछ इतना बढ़िया से नहीं ऊपर वर्कआउट नहीं हो पाता है, लेकिन जिम में बिल्कुल बढ़िया से हो जाता है। तो आज मैं जिम जा रहा हूँ फाइनली, पूरे 1-1.5 हफ्ते के बाद जा रहा हूँ जिम। तो चलते हैं अभी, ड्राइव के लिए अपनी रसमलाई खाते हैं अभी। मजा आ गया गाइस। ये किसना का बैग है, इसमें किसने अपने स्केट रखे हैं। स्केट निकालते हैं पहले, ये नया वाला बैग ले जाएंगे। ये निकालते हैं स्केट, निकाल दिए गाइस। ये अपना पुराना बैग है, पूरा लल्लू पुंजू सा, तो इसके सारा सामान उसमें डालते हैं। बहुत बेकार था, बिल्कुल ढीला ढीला सा है, तो इसका सारा सामान उसमें डालते हैं। ये वाला बैग बहुत छोटा है, इसके सामने सारा सामान निकालते हैं। गाइस अभी रेडी हो गए मस्त जिम जाने के लिए। अभी ऊपर से ट्रैक सूट पहन लिया है मैंने, क्योंकि जाते समय ठंडी ठंडी लगेगी ना, ऑटो से जाएंगे जिम में उतार देंगे, फिर आते समय फिर पहन लेंगे, चलते हैं अभी। शूज भी पहन लिया है, बाजा रहे ठीक बाबा, जा रहे न्यू बैग लेके जा रहे हैं गाइस, न्यू बैग। गाइस जिम पहुंच चुका है फाइनली, ऊपर चलते हैं। ये चेन है, ये चेन भी खुल गई। गाइस अभी अपना वर्कआउट तो कर लिया है, अब घर चलते हैं। गाइस अभी घर पे आ गए थे, और घर पे आने के बाद मैं यहाँ पे अपना दूध सब पी चुका था। अब यहाँ पे मैं अपने ड्राई फ्रूट भिगो रहा था, और ड्राई फ्रूट भिगोते समय मुझे यहाँ पे मैं अपने अखरोट भिगो रहा था, तो अखरोट मैंने कुछ ऐसे अखरोट देखे जो पूरे समूचे हैं। मतलब ऐसे अखरोट नहीं है कि ऐसे दो दो भागों में टूटे हुए हैं, ऐसे ऐसे नहीं है, वो बिल्कुल चिपके हुए हैं। गाइस ये देखिए, गाइस टूट गया अभी, लेकिन ये वाला जो अखरोट है, ये वाला अखरोट आगे पीछे जुड़ा हुआ है दोनों तरफ से, मतलब टूटा नहीं है, ऐसा पहली बार देखा मैंने। ये अखरोट आगे पीछे चिपका हुआ, जब मैं इसको अलग करूंगा तब ऐसे अलग होगा। बस गाइस अभी तो मस्त रात के पूरे 10 बज चुके हैं, हाँ थोड़ा जल्दी सो रहे हैं, मतलब कल तो 1 बजे सोए थे, फिर सुबह जलने में फिर तो सुबह जगने में देर हो गई थी, इसलिए आज जल्दी सो जाते हैं। तो अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग तो वीडियो को लाइक कर दिए। क्या बोल रहे हैं, मतलब नींद में कुछ समझ में भी नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। तो आई होप आपको लोग पसंद आएगा, अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं कल सुबह नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।